हेलो वेलकम व्हाट्सएप यार। तो हमने यस ब्लॉक की एनसीईआरटी ओपन की थी और पहले लेक्चर में हमने देखा था यहाँ तक फ्लेम कलर टेस्ट वगैरह हो गया था। एक अच्छी सी ट्रिक्स हमने देख ली थी। ट्रिक क्या थी? अरे पहला लेक्चर जाके देखो ट्रिक क्या थी। और इसके बाद क्या है, अमोनिया के साथ हमने देख लिया था, वेरी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। हैलाइड्स हमने देख लिए थे, कार्बोनेट्स वगैरह की थर्मल स्टेबिलिटी देख ली थी। आज हमें जो है स्टार्ट करना है, एनामलस प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम। बहुत ही ज़्यादा फेवरेट टॉपिक और मैं कह दूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ओके, यहाँ पे जितनी भी लिथियम की यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, हर एक प्रॉपर्टी आ चुकी है PYQs में या कह दो एग्जाम में। अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि लिथियम की जो एनामलस प्रॉपर्टी होती है वो होती क्यों है। तो द एनामलस प्रॉपर्टी बिहेवियर ऑफ लिथियम इज ड्यू टू, नंबर वन, एक्सेप्शनली स्मॉल साइज ऑफ इट्स एटम एंड आयन, पहला। दूसरा है हाई पोलराइजिंग पावर। और पोलराइजिंग पावर क्या होता है? चार्ज अपॉन रेडियस का रेशियो। अब क्या होता है, ठीक है, एज अ रिजल्ट देयर इज इंक्रीज इन कोवेलेंट करेक्टर ऑफ लिथियम कंपाउंड, जिसकी वजह से लिथियम का क्या होता है, कोवेलेंट करेक्टर जो होता है बढ़ जाता है लिथियम के कंपाउंड में। वेरी इंपॉर्टेंट, पहले भी दो बार यही लाइन हम यूज कर चुके हैं, ठीक ना। तो अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे क्या है, अब कंपाउंड कोवेलेंट हो गया, इसकी वजह से क्या होगा, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दियर सोलिबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोलिबिलिटी इसका जिम्मेदार है। आगे देखो, फर्दर लिथियम इज सोज डायगोनल रिलेशनशिप टू मैग्नीशियम। जो लिथियम होती है डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ शो करती है, मैग्नीशियम की। क्यों? क्योंकि यार चार्ज बाई साइज रेशियो जो सिमिलर होता है दोनों का। ओके, आगे देखो यार, ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, पॉइंट टू डिफरेंस बिटवीन लिथियम एंड अदर एल्कली मेटल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों ये भी, और सिमिलरिटीज बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। अभी मैं तुम्हें क्वेश्चंस दिखाऊंगा, तुम देखना यार कि मैक्स टू मैक्स चीज़ें, 5 से 6 क्वेश्चन यहीं से आया है। आज थोड़ा सा हम क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे इसके साथ साथ, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं। लिथियम इज मच हार्डर, इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हायर देन एल्कली मेटल, ठीक है भैया। पहला हो गया, लिथियम इज मच हार्डर, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एल्कली मेटल से बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा, लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव बट स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। लीस्ट रिएक्टिव होता है और स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। ऑल द एल्कली मेटल्स ऑन कंबसन इन एयर इट फॉर्म्स मेनली मोनोऑक्साइड। ओके, बना दिया भैया मोनोऑक्साइड, और सब बनाते हैं मोनोऑक्साइड, लेकिन लिथियम मोनोऑक्साइड बनाता है, साथ में नाइट्रोजन वाले कंपाउंड ही बनाता है। अब तुम्हें यह पता होगा यार, क्या पता होगा कि एयर में दो चीज़ें होती हैं। एयर में तुम्हारा क्या क्या होता है, एक ऑक्सीजन होता है 78% और नाइट्रोजन होता है 21%। तो जो और एल्कली मेटल है लिथियम के अलावा, वो तो डायरेक्ट इससे रिएक्शन नहीं करते हैं, वो सिर्फ ऑक्साइड बनाते हैं या परऑक्साइड बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं अपनी अपनी श्रद्धा भावना, अपने अपने इंटरेस्ट के अनुसार। लेकिन जो लिथियम है वो साथ में एलाइथ्रियन नाइट्राइड भी बनाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे नीट में भी सवाल आ चुका है और जे में भी आ चुका है, नीट में भी आ चुका है और जे में भी आ चुका है, देख लेना। आगे यार क्या है, हाँ, तो LiCl इज डेलिक्यूसेंट एंड क्रिस्टलाइज एज हाइड्रेट LiCl.2H2O, वेयर एज अदर एल्कली मेटल मेटल क्लोराइड डू नॉट फॉर्म हाइड्रेट्स। हाइड्रेट्स कौन कौन बनाता है भैया, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, लिथियम के जो क्लोराइड होते हैं वो हाइड्रेट्स बनाते हैं, जबकि जो अदर एल्कली मेटल है उसके क्लोराइड हाइड्रेट्स नहीं बनाते हैं। तुम कहोगे भैया क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेबल। ऑप्शन दे दिया LiCl.2H2O, NaCl.2H2O, KCl.2H2O, चौथा ऑल ऑफ द अबव। अब तुम्हें लगेगा सारा का सारा एक ही ग्रुप का है, सही कर दो। नहीं भैया, यहाँ पे लिखा है, साफ साफ लिखा है, सिर्फ लिथियम ही, लिथियम वाले ही स्टेबल होते हैं, बाकी कोई और अदर एल्कली मेटल हाइड्राइड्स नहीं बनाते हैं, हाइड्रेट्स नहीं बनाते हैं। आगे, लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट
इज नॉट स्टेबल ऑब्टेंड इन सॉलिड फॉर्म, मतलब कि लिथियम हाइड्रोजन कार्बन जो है स्टेबल भी नहीं होता यार, और सॉलिड फॉर्म में नहीं होता है। बाकी सारे किस में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन लिथियम लिक्विड में होता है। तो कैसे याद करेंगे, लिथियम लिक्विड में होता है। लिथियम का हाइड्राइड होता है वो लिली को पसंद करता है, लिली को पसंद करता मतलब लिक्विड में होता है। ओके, तो लिथियम अनलाइक द अदर एल्कली मेटल फॉर्म्स नो इथाइनाइड। और जो एल्कली मेटल है, तुमने जब ऑर्गेनिक पढ़ने जाओगे तो ऐसे हम देखेंगे, हमने क्या देखेंगे कि बन रहा है CH ट्रिपल बॉन्ड CNA बन रहा है। तो लेकिन अगर यहाँ पे कह दो लिथियम हो जाएगा तो लिथियम CH ट्रिपल बॉन्ड CLI नहीं बनाएगा, ये स्टेबल ही नहीं होता है, तो इसे इथाइनाइड नहीं बनाता है, इथाइन नहीं बनाता है। आगे देखो भैया, आगे क्या है, लिथियम नाइट्रेट व्हेन हीटेड टू गिव्स लिथियम ऑक्साइड, वेयर एज अदर एल्कली मेटल नाइट्रेट्स डिकम्पोज टू गिव करस्पॉन्डिंग नाइट्राइड। आगे देखो भैया क्या कह रहा है, लिथियम को भैया जब हमने लिथियम को गर्म किया तो लिथियम टूट के Li2O बना दिया और साथ में NO2 गैस रिलीज कर दिया, Li2O बना दिया साथ में NO2 गैस रिलीज कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन जो अदर एल्कली मेटल है वो टूटते नहीं, वो क्या बनाते हैं, नाइट्राइड बनाते हैं। आगे देखो यार अगला, LiF एंड Li2O आर कंपैरेटिवली मच एंड लेस सोल्यूबल इन वाटर दैट करस्पॉन्डिंग कंपाउंड टू, मतलब कि ये सारे Li मतलब कि लिथियम वाले सारे फ्लोराइड क्लोराइड हैलाइड स्टेबल होते हैं, लेकिन लिथियम वाला कम स्टेबल होता है। ऊपर ही तुमने पढ़ा है LiF के लेस सोल्यूबल होने का रीजन होता है, क्या होता है कमेंट करो, क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में, नहीं याद तो है यार, हाई लैटिस इनर्सी। अब यहाँ से तुम्हारा एसर्सन रीजन बना देगा, एसर्सन क्या होगा कि लिथियम इज लिथियम फ्लोराइड कम सोल्यूबल होता है, रीजन क्या होगा, हाई लैटिस इनर्जी। आगे देखो, अब सिमिलरिटीज बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम, द सिमिलरिटी बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम इज पर्टिकुलरली स्ट्राइकिंग अराइज बिकॉज ऑफ दियर सिमिलर साइज। सिमिलर साइज की वजह से भैया, लिथियम का साइज कितना होता है 152 और मैग्नीशियम का 160, और Li प्लस कितना होता है यार 76, और Mg2 प्लस कितना होता है यार 72। अब एक चीज़ देख लो कि Li का जो प्लस होता है, Li का प्लस होता है वो Mg2 प्लस से बड़ा होता है, जबकि Mg जो होता है वो Li से बड़ा होता है। तो देख लो, वेरी क्रूशियल पॉइंट है, जब भी क्वेश्चन आएगा सबका गलत होगा। बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर हार्डर एंड लाइटर देन अदर एलिमेंट इन द रेस्पेक्टिव ग्रुप, ठीक है भैया। लिथियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विद वाटर, दोनों पानी से धीमी क्रिया करते हैं, मन ही नहीं है भाई, नहीं होता सबका मन। तो दियर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर मच लेस सोल्यूबल एंड दियर हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज ऑन हीटिंग बोथ फॉर्म Li3N एंड Mg3N बाई डायरेक्ट कॉम्बिनेशन विथ नाइट्रोजन। पहले ही बताया था लिथियम बनाता है, अब लिथियम बनाता है तो लिथियम का भाई हो गया, लिथियम के पड़ोसन हो गए मैग्नीशियम, अगर लिथियम बनाता है तो मैग्नीशियम को तो बनाना ही पड़ेगा, आई बात समझ। तो ऐसे याद कर लो, द ऑक्साइड ऑफ Li2O एंड MgO डू नॉट कम्बाइन विथ एक्सेस ऑक्सीजन टू गिव एनी सुपर ऑक्साइड। ना भैया लिथियम सुपर ऑक्साइड बनाता है, ना मैग्नीशियम सुपर ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में। आगे देखो, द कार्बोनेट ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम डिकम्पोज इजली ऑन हीटिंग टू फॉर्म द अदर ऑक्साइड लाइक CO2, ठीक है ना। सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट आर नॉट फॉर्म इन लिथियम एंड मैग्नीशियम। मैंने बोला था तुम्हें लिली याद कर लो, क्या याद कर लो, लिली। तो लिली की पड़ोसन याद करना है, क्या याद करना है, लिली की पड़ोसन, लिली की पड़ोसन हरी भरी है लिक्विड है, हरी भरी है लिक्विड है, ऐसे में देखो लिली की जो पड़ोसन है, लिली की पड़ोसन है, लिली की जो पड़ोसन है हरी भरी है, कैसी है, हरी भरी लगती है, एकदम हरी भरी, और वो मांग रही है क्या, कुछ मांग रही होगी, ठीक है ना। तो लिथियम और मैग्नीशियम का जो हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ना कि सॉलिड फॉर्म में होते हैं। अभी दिखाते हैं क्वेश्चन कैसे आए हैं, आज देखें क्वेश्चन भी। बोथ लिथियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड इन सोल्यूबल इन एथेनॉल
अब तुम्हें लग रहा है ये लाइन से क्वेश्चन नहीं आया होगा, लेकिन अभी देखो चलो इस लाइन से भी क्वेश्चन आया है। आगे देखो, बोथ LiCl एंड MgCl2 आर डेली क्वेश्चन एंड क्रिस्टलाइज टू फॉर्म एक सोल्यूशन एज हाइड्रेट्स LiCl.2H2 MgCl.2H2 6H2। एक सेकेंड भैया, अभी तो आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि स्टेबल ही नहीं होता लिथियम के अलावा कोई। अरे भाई वो मैंने एल्कली मेटल की बात, किसके लिए? एल्कली मेटल। और मैग्नीशियम क्या है? एल्कलाइन अर्थ मेटल। ये तो बना ही सकता है ना। आगे देखो, अब आ गया यार फर्स्ट डे का कंपाउंड। फर्स्ट डे के कंपाउंड से पहले मैं तुम्हें थोड़े से क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। रुको, तुम्हारे पास 3 क्वेश्चन है यार। पहला है, और अगर तुम कहोगे तो मैं सारे के सारे जेई मेंस और नीट के PYQ करा दूंगा, लेकिन तुम इसे तुम्हें ये बात कमेंट करनी होगी, ठीक है ना? तो डाइहाइड्रोजन ऑफ हाई प्योरिटी इज ऑब्टेंड थ्रू, कैसे बनता है यार? पहला ऑप्शन है द रिएक्शन ऑफ जिंक विद डाइल्यूटेड सीएल। नहीं भैया, बनता तो है लेबोरेटरी मेथड, लेकिन इतना प्योर नहीं बनता। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, भैया ऐसे तो नहीं बनता। ब्राइन से भैया नहीं बनता, बेरियम वाला सही है। अभी हमने यहाँ पे किया था, यहाँ पे फॉर्मेशन में देखा था। कहाँ गया यहीं कहीं होगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये तो क्वेश्चन होगा हाइड्रोजन वाले चैप्टर में। ओके, डायरेक्ट एनसीईआरटी सवाल। आगे ये है जो अभी हमने किया, क्या है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहले जैसे तुम्हें करेक्ट इनकरेक्ट पूछे, इनकरेक्ट देखते ही क्या मारो यार, सर्कल। तो हमने पहला काम क्या किया, इनकरेक्ट में सर्कल मार दिया। आगे अब ऑप्शन पढ़ते हैं। लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द एल्कली मेटल, भैया सही बात है। दूसरा क्या है, लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव अमंग वाटर टू एल्कली मेटल। तुरंत पढ़ा है, NCERT की लाइन है, सही बात है। आगे, लिथियम नाइट्रेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू LiNO2 एंड O2। गलत भाई साहब, ये बनाता है Li2O प्लस NO2। तो इनकरेक्ट पूछा था, ये सही हो गया यार। आगे अगला स्टेटमेंट है, लिथियम क्लोराइड क्रिस्टलाइज एज सोल्यूशन LiCl.2H2। ये तो सही बात है यार। अब देखो कैसे कैसे NCERT क्वेश्चन आते हैं। आगे देखो, ये पुराना क्वेश्चन देख लेते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल, तो यार नीचे जाने पे घट रही थी, तो यहाँ क्या लिखा है, लिथियम सोडियम पोटेशियम सीजियम रुबिडियम। गलत भैया, गलत। लिथियम पहले, तो हम दो ऑप्शन ऐसे कर देंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा किसकी थी, लिथियम की। तो अब हम यहाँ तो पहला देखेंगे या तो चौथा देखेंगे, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, नीचे जाने पर घट रही है। हाँ भाई, तो आंसर हो गया तुम्हारा डी। तो ऐसे ही अगर तुम कहोगे तो हम सारा का सारा क्वेश्चन आगे जाके कर लेंगे। अब हम देखते हैं कुछ कंपाउंड। ओके, तो सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सोडियम। आगे देख लो भैया, सोडियम के कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, और यहाँ से क्वेश्चन नीट में ज़्यादा आए हैं, ठीक है ना? तो क्या है, इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सोडियम इंक्लूड, सोडियम के कौन कौन से कंपाउंड यार इंपॉर्टेंट है जो हम पढ़ेंगे अभी, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, 4 पढ़ेंगे, ठीक है भाई? आगे क्या है, द लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दीज कंपाउंड एंड दियर यूजेज आर डिस्क्राइब बिलो। यहाँ से कोई क्वेश्चन आना ही नहीं है यहाँ से, तो आगे से देखते हैं जहाँ सब क्वेश्चन आने की संभावना भर भर के है, तो यहाँ से वेरी अटेंटिव हो जाओ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला, वाशिंग सोडा या NO2CO3.2H2। मैंने वाला क्वेश्चन डाला था कि कम्युनिटी में कि सॉल्यूबल प्रोसेस से किसे बनाया जा सकता है। तो देखो अब यहाँ से पिंक पेन ले लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल आ चुका है। तो देखो, सोडियम कार्बोनेट इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय सॉल्यूबल प्रोसेस से बनाते हैं, भैया ठीक है बन गया। इन दिस प्रोसेस एडवांटेज इज टेकन ऑफ लो सोल्युबिलिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। किसका एडवांटेज लेते हैं, लो सोल्युबिलिटी का। किसकी लो सोल्युबिलिटी का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के। वेयर बाई इट गेट्स प्रेसिपिटेटेड ऑन रिएक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विथ अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ भी क्या करते हैं भैया, कि ये अमोनिया लिया
अमोनिया में वाटर और CO2 डाल के हमने बना दिया अमोनियम बाई कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट, ठीक है। तो अमोनियम कार्बोनेट में फिर से हमने वाटर डाला और CO2 डाला, तो यहाँ से हमने क्या बनाया यार, अमोनियम बाई कार्बोनेट बना दिया। क्या बना दिया? अमोनियम बाई कार्बोनेट। अब क्या करेंगे, इसी अमोनियम बाई कार्बोनेट में हम NaCl डाल दिया, नमक डाल दिया, इनके जलाई पर नमक छिड़क दिया, तो क्या बन गया यार, NH4Cl बन गया। NH4Cl बना और इसके साथ में बना NaHCO3। अब इसी NaHCO3 को हम अलग करके, क्योंकि ये होता है क्या, लो सोल्यूबल, क्या होता है, लो सोल्यूबल, तो इसे हम इससे अलग से रिएक्शन करा के यहाँ से बना लेते हैं क्या, Na2CO3 हमारा निर्मा बन के तैयार हो जाता है। परेशान मत हो, इसे हम अलग से भी देखेंगे, ठीक है ना। आगे देखो यार, बस रीडिंग कर ले रहे हैं, बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें अलग से देखेंगे, ठीक है ना। द लेटर इज प्रिपेयर्ड बाई पासिंग CO2, उसके बाद हम CO2 डाल देते हैं यार, बता दिया, यही जो प्रोसेस यहाँ पे मैंने बताया वही प्रोसेस यहाँ लिखा है, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्रिस्टल सेपरेट कर लेते हैं, बताया कि भैया इसका क्रिस्टल हमने सेपरेट कर लिया और वहीं पे हमने, और उसे हीट करके हम क्या बना लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट। आगे देखो क्या है, आगे 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 क्या है, तो चलो पहले इतनी बातें कर लेते हैं, हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, हमारे पास इतना स्पेस है तो यही हम पढ़ लेते हैं, ओके। तो हम किस क्या पढ़ रहे हैं यार, सॉल्वे प्रोसेस। तो सॉल्वे प्रोसेस में पहली बात क्या याद कर रखना है, सॉल्वे प्रोसेस किसके लिए बनाया जाता है, निर्मा के लिए। निर्मा मतलब क्या है, वाशिंग सोडा, क्या, वाशिंग सोडा। तो सॉल्वे को तुम्हें बोलना है साली, साल्वी को क्या बोलना है, साली, और साली किसका ऐड करती है यार, निर्मा का। तुमने सुना होगा दूध सी सफेदी निर्मा से आए, अगर तुमने ये नहीं सुना तो तुम्हारे तुम्हारा बड़ा होना बेकार है भाई, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, अगर तुम्हें तुमने ये वाला ऐड नहीं देखा तो, अगर अभी जाके देखो लेक्चरों को जाके ऐड देखो चले मत जाना, आगे देखो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यार, सबसे पहले हम लेते हैं अमोनिया, साथ में डालते हैं थोड़ा सा CO2 और साथ में डालते हैं थोड़ा सा पानी, यहाँ से हम बनाते हैं तुम्हारा क्या, अमोनियम कार्बोनेट। अब ये अमोनियम कार्बोनेट बन गया और हमारे दिल को चैन ना आया, इसमें हमने थोड़ा सा और पानी और थोड़ा सा और CO2 डाला और यहाँ पे हमने क्या बना लिया, अमोनियम बाइकार्बोनेट, तो NH4HCO3। भाई इतने पे अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, हमारे दिल को चैन ना आया और हमने इसे गर्म करके जला दिया, क्या कर दिया, जला दिया भैया, ये जल गया। और दुनिया का काम क्या है, अगर कोई जल जाए तो इसके जले पे क्या छिड़क देना, नमक, तो इसके जले पे हमने छिड़क दिया नमक। जैसे ही जले पर नमक छिड़का तो साथ में क्या मिला यार, इधर मिल गया NaHCO3, क्या मिल गया भैया, NaHCO3 और साथ में मिल गया NH4Cl भैया। तो NaHCO3 जो था, NaHCO3 हमने क्या बताया था कि फ़ायदा लेते हैं किसके, सोल्युबिलिटी का, या फिर कह दो फ़ायदा लेते हैं किसके, साली के, ज़्यादा हो जाएगा, फ़ायदा लेते हैं किसके, सोल्युबिलिटी का, ना सोल्युबल होने का, ठीक है ना। तो यहाँ से ये सोल्युबल नहीं होता, ये क्रिस्टलाइज हो जाता है। तो अब इससे यहाँ से इसे हम हीट कर देते हैं, हीट करने से क्या बन जाता है, Na2CO3, ओके। एक सवाल यहीं पे आया है नीट में, एक सवाल आया है कि हम यहाँ से इसी प्रोसेस से K2CO3 नहीं बना पाते हैं, K2CO3 नहीं, इससे नहीं करते हैं, तो K2CO3 नहीं बना पाते हैं। और K2CO3 हम क्यों नहीं बना पाते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे जो पैसे पहले बनता है KHCO3 की जो साली होती है वो सोल्यूबल होती है, वो पिघल जाती है, इसलिए उससे हम K2CO3 नहीं बना सकते। और जो NaHCO3 की साली होती है वो पिघलती नहीं है, वो सख्त होती है, ठीक है। अब
NH4Cl जो है, अब भैया सब लोग अपनी अपनी वाली के साथ चले गए, अपनी अपनी वाली के साथ चले गए, NaHCO3 के साथ कोई जा ही नहीं रहा था। तो इसने मंगाया क्या, इसने मंगाया चूना। कौन सा चूना? CaOH का होल ट्वाइज वाला चूना। अच्छा भैया मंगा लो चूना। तो हमने चूना मंगाया तो यहाँ से दो चीज़ें बनी, पहली बन गई अमोनिया और दूसरी क्या बन गई, CaCl का ट्वाइज। ओके, तो हमने पहले जो अमोनिया डाली थी रिएक्शन में, हमने जो अमोनिया डाली थी वो तो हमें गई मिल ऐसे करके, और बाकी अब आखिरी में सब अपने अपने वक्त बदलने पे, हालात बदलने पे सब भाग गए, और अकेला कौन रह गया, CaCl का ट्वाइस। तो CaCl का ट्वाइस क्या बोला गया, CaCl का ट्वाइस जब तन्हा रह गया तो इसे जमाने ने क्या बोला, इसे जमाने ने बोला सालिन प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट, मतलब सालिन ने किसके साथ धोखा किया, CaCl का ट्वाइस के साथ। सब अपनी अपनी वाली के साथ चले गए, धोखा किसके साथ हुआ, CaCl का ट्वाइस वाला। ओके, तो किसी का मैटर सॉल्व कराने नहीं जाना चाहिए, सब अपने अपने वाले के साथ सेटल हो जाते हैं, आखिर में पीटा वही जाता है जो मैटर सेटल कराने जाता है, समझ लो इस बात को। आगे देखो, तो ये हो ही गया था, आगे यहाँ से बता, इन दिस प्रोसेस NH3 इज रिकवर्ड व्हेन द सॉल्यूशन कंटेनिंग NH4Cl इज ट्रीटेड विद CaOH का होल ट्वाइस। और CaCH का होल, CaOH का होल ट्वाइस क्या बोलते हैं, सिलेक्ट लाइन, मतलब कि अमोनिया कैसे रिकवर करते हैं, CaOH का होल ट्वाइस के साथ रिएक्शन करा के। भाई अच्छी सी स्टोरी सुनाया था। तो कैल्शियम क्लोराइड जो होता है ऑप्टेन हो जाता है, और कैसे ऑप्टेन होता है यार, बाई प्रोडक्ट की जैसे, कैसे, बाई प्रोडक्ट की जैसे, पता चल गया भाई। आगे देखो, 2NH4Cl प्लस CaOH का होल ट्वाइस, यहाँ से क्या बना, यहाँ से अमोनिया तो रिकवर हो गया और साथ में CaCl का होल ट्वाइस बच गया। ओके यार, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या हुआ। इट मे बी मेंशन एज हियर सॉल्वे प्रोसेस कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू द मैन्युफैक्चर ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट बिकॉज पोटेशियम हाइड्रोकार्बोनेट इज टू सोल्यूबल टू बी प्रेसिपिटेटेड बाई द एडिशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू बे सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड से ज़्यादा सोल्यूबल क्या हो जाता है, पोटेशियम कार्बोनेट। तो ये इम्पॉर्टेंट है, यह नीट का आया हुआ PYQ है। रीजन हमने ट्रिक क्या बनाई थी कि जो पोटेशियम की साली होती है वो पिघल जाती है, और जो सोडियम की साली होती है वो सख्त होती है, कि वो सोल्यूबल नहीं होती है। आई बात समझ, याद कैसे भी कर लो दोस्त, बस याद करना है। अब सोडियम कार्बोनेट इज वाइट क्रिस्टलाइन सोडा, भैया कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम्हें अपने दिमाग में क्या डालना है, निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। तो तुम निरमा देखी हो, अब टाइड वाइट हरे नीले सर्फ एक्सल नीले आते हैं, सब अलग अलग कलर के आते हैं, लेकिन जो निरमा होता था शुद्ध निरमा वाइट कलर का होता था। तो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विच एग्जिस्ट एज डेकाहाइड्रेट, भैया जाके देख लो, अभी जाके देख लो, जो तुम्हारा निरमा होगा उसमें थोड़ा थोड़ा पानी होगा। निरमा कैसा होता है, भीगा होता है। क्यों यार निरमा क्यों भीगा होता है, क्योंकि निरमा होता है Na2CO3.10H2O जैसे। आगे, दिस इज आल्सो कॉल्ड वॉशिंग सोडा, भैया निरमा है तो वॉशिंग सोडा है। इट इज रेडिली सोल्यूबल इन वाटर, निरमा पानी में डालते ही घुल जाता है भाई, घोला ही हमने हाथ हाथ घुमा के कपड़े धुलने के लिए। ऑन हीटिंग द डेकाहाइड्रेट लॉस इट्स वाटर क्रिस्टलाइज टू फॉर्म मोनोहाइड्रेट, भैया जो डेकाहाइड्रेट होता है, डेकाहाइड्रेट वो गर्म करने पे 373 डिग्री 375 में गर्म करने पे 9 पानी बाहर और 1 पानी बचा रह जाएगा। ऐसा होता है कि 10 गर्लफ्रेंड है, थोड़ा सा तंगी आई, 9 गर्लफ्रेंड गायब, लेकिन एक जिससे ज़्यादा प्यार रहता है वो बचा रहता है। रिलेट कर रहे हो ना। तो अब बताओ यार, टेम्परेचर कैसे याद करें भैया, ये बताओ बे, तुम पानी कितने पे उबालते हो, 100 पे ना, 100 का क्या डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में कितना, 373। तो ये वाला टर्म निर्मा भी कितने पे गर्म करेंगे, 373। अब 373 जब बहुत ज़्यादा तंगी आ जाती है तो जो ओरिजिनल वाला प्यार रहता है वो भी भाग जाता है। आगे देख लो, अब क्या है आगे,
यार एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं सॉल्व प्रोसेस पे, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखो क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या है। नंबर वन, Na2CO3.10H2O इज कॉल्ड एज वॉशिंग सोडा। सच्ची बात है यार, अभी पढ़ा। बोथ LiCl एंड MgCl2 आर सोल्यूबल इन इथेनॉल, पढ़ा था भैया, पढ़ा था ना। NaCl इज डेली क्वेश्चन इन एंड क्रिस्टलाइज एज NaCl.2H2O। सही है कि गलत, तुम बताओ। गलत है क्योंकि सिर्फ LiCl होता है। तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट एंड सेकेंड। अगला क्वेश्चन, बायो प्रोडक्ट ऑब्टेंड इन सॉल्यू प्रोसेस वॉशिंग सोडा फॉर्मेशन, क्या हो गया आंसर, CaCl2, क्योंकि धोखा किसके साथ हुआ, CaCl2 के साथ हुआ। ओके आगे बढ़ते हैं। कार्बोनेट पार्ट ऑफ सोडियम कार्बोनेट गेट्स हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर टू फॉर्म इंक्लाइन सोल्यूशन। ठीक है यार, बनने तो अपने इसको मतलब नहीं। यूजेस देखो, निर्मा का यूज किस लिए होता है, कपड़े धुलने के लिए। इट इज यूज एज पेपर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। इट इज इम्पॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट बोथ इन क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी यूज होता है और क्वान्टिटिव एनालिसिस में भी यूज होता है। अगला, इट इज यूज इन वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट, पढ़ा है भैया, टेम्परेरी मतलब कि बाई वॉशिंग सोडा किससे। अब बताओ कि वॉशिंग सोडा का यूज किस लिए होता है, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने में, टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने में, कमेंट करो। ओके, इट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप, बोरिक्स एंड कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा आगे पढ़ेंगे भी। अगला कंपाउंड प्यारा सा नमक NaCl, जो कि तुम्हारे जख्मों पे मला जाता है। द मोस्ट एबंडेंट सोर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इन सी वाटर विच कंटेन 2.7 से 2.9% बाई मास ऑफ द साल्ट। इन ट्रॉपिकल कंट्रीज लाइक इंडिया कॉमन साल्ट इज जनरली ऑब्टेंड बाई, एक सेकेंड, बचपन में तुमने पढ़ा था कि ये है समुंदर। समुंदर के किनारे क्या बनाते हैं, खेत वगैरह बनाते हैं, ऐसे ही पढ़ा था। समुंदर के किनारे हम क्या बनाते हैं, खेत बनाते हैं। फिर क्या होता है यार कि समुंदर में ज्वार भाटा आता है और पानी ऐसे ऐसे आता है, फिर पानी लौट तो जाता ही है, और साथ में उसमें क्या भर जाता है, साथ में इन सब खेत में क्या भर जाता है, पानी। इस खेत में क्या भर गया, समुंदर का नमकीन पानी। यही कहानी तुमने सुना है आज तक, यही सुना है। अब ये तुम बताओ दिमाग से, जो तुम क्रैक्स वगैरह खा के पन्नी फेंक देते हो इधर उधर, वो पन्नी नदी से होते हुए कहाँ जाती है, समुंदर में। ऊपर इसमें क्या होगा, ऊपर क्या होगा भैया, ऊपर थोड़ा थोड़ा कचरा होगा, क्या होगा, कचरा होगा। तो कुछ दिन बाद ये पानी सूख जाएगा, पानी सूखने के बाद क्या होगा, नमक मिल जाएगा, और नमक में थोड़ा सा क्या होगा। तो लेक्चर रिकॉर्ड करते करते बीच में कोई आ गया था, तो मैंने समुंदर में थोड़ा सा और नीला पानी इकट्ठा कर दिया जिससे और ज़्यादा नमक बन सके। तो यार ये प्योर नमक होता है, ऊपर थोड़े थोड़े कचड़ा होता है। अब नमक तो बन गया यार, अब तुम नमक खाओगे, कचड़ा थोड़ी ना खाओगे। अब वो अलग बात है, तुम कचड़ा नमक में मिला देते हो। तो अब इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा इसमें पानी डाला और ये लिक्विड बन गया। और हमने एक छन्ना रखा और माइन्यूट से ऐसे छन्ना बना के ऐसे कर दिया, और हमने छन्ना से सारा नमक छान दिया। तो नीचे नमक नमक तुम्हारा बन गया और हमने लिख दिया यहाँ पे नमक। अब यार ऐसा करने से नमक में ऐसा तो है नहीं सिर्फ कचड़ा छनेगा, और कुछ इम्प्योरिटी हो जाती है, जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम के दो कंपाउंड, कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड और दूसरे सल्फेट। ओके, तो अब यार इसके बाद इसे साफ करने के लिए हम एक हरा रंग डालते हैं। हरा रंग नहीं डालते हैं बे, हरा रंग डालते हैं, क्या डालते हैं, हरा, हरा रंग डाला मार डाला। तो ऐसा कुछ नहीं होता, HCl गैस, क्या डालते हैं, HCl। तो तुम याद कर लो, हरा हरा इसी के लिए हमने हरे कलर से बनाया है कि तुम्हें दिख जाए हरा डालते हैं, हरा। तो HCl डालते हैं, अब HCl गैस फ्लो करते हैं तो ये नमक जो होता है तुम्हारा प्योर नमक बाहर आ जाता है। अब मैकेनिज्म क्या होता है हम ऊपर देखेंगे, अब तुम स्टोरी याद कर लो। ओके, तो
अब देखो स्टोरी कैसे लगी बताओ मुझे जल्दी से। ऑप्टेंड बाई इवापोरेशन ऑफ सी वाटर अप्रॉक्सिमेटली 50 लाख टन्स, कोई सब फर्जी बातें हैं। यहाँ से देखो ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, एक्वस NaCl, वहीं से नमक मिलेगा। आगे देखो ब्राइन सॉल्यूशन कंटेन सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम के क्लोराइड और मैग्नीशियम के क्लोराइड, बताया पहले बताया ना। तो कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, नीट में आया क्वेश्चन, हाईलाइट कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड आर इम्प्योरिटी बिकॉज दे आर डेली क्विसेंट। अब तुम यार देखते हो नमक बरसात में भीग जाता है, लेकिन जो प्योर नमक होता है कभी नहीं भीगता। नमक भीगता किस वजह से है? नमक भीगता है कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड की वजह। तो यार अब पता चल गया ना नमक भीगता क्यों है। आगे देखते हैं ये सवाल कहाँ पे आया है, ये सवाल तुम्हारा आया है नीट में, और आई थिंक सो 2018-19 में आया, क्योंकि मैं जब नीट दे रहा था तो मुझसे बन ही नहीं रहा था, तो इसीलिए मुझे ज़्यादा अच्छे से याद है। टू ऑब्टेन प्योर सोडियम क्लोराइड द क्रूड साल्ट इज डिजॉल्व इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, पहले भी था यार, एंड फिल्टर टू रिमूव इन सोल्यूबल इम्प्योरिटीज, जो तुम पन्नी वगैरह डाल देते हो। आगे द सोल्यूशन इज देन सेचुरेटेड विथ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, हरा रंग डाला। ओके देख रहा मेरी छोटी छोटी सी नौटंकी वाली बात में कितनी प्यारी होती है, कितना अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट खत्म कर देती हैं। क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सोडियम क्लोराइड सेपरेटेड आउट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड बीइंग मोर सोल्यूबल इन, मतलब ये कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड ज़्यादा सोल्यूबल होने की वजह से, किस वजह से, ज़्यादा सोल्यूबल होने की वजह से पड़े रह जाते हैं। तो सोडियम क्लोराइड मेल्ट्स एट 1081 केल्विन, इट हैज अ सोल्यूबिलिटी ऑफ 36 ग्राम, कोई मतलब नहीं है, इस क्वेश्चन नहीं आएगा। ये आ सकता है द सोल्यूबिलिटी डज नॉट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर तुमने पानी में नमक घोल दिया तो पानी को गर्म करने से ज़्यादा नमक उसमें घुलेगा नहीं। ये बात याद रख लो, क्या पता कल काम आ जाए नमक घोलते हो पानी में, मजाक कर रहे हैं। इट इज यूज एज अमाउंट ऑफ साल्ट और टेबल साल्ट फॉर डोमेस्टिक पर्पज, ठीक है भैया। इट इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ Na2O2, मतलब सोडियम पराक्साइड, कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास, कास्टिक सोडा एंड Na2CO3, समझ आ गया ना अच्छे से कहानी। आगे यार अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को किससे बनाते हैं, कास्टनर किलनर सेल से, किससे, कास्टनर किलनर सेल से। कैथोड पे क्या मिलता है, सोडियम अमलगम, और सोडियम अमलगम में सोडियम की भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है और अमलगम की भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। ये देखो मरकरी का क्या होता है, कैथोड होता है, और एनोड किसका होता है, ग्रेफाइट का या फिर कार्बन का। अब पढ़ लेते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी मार्क करा दिया बस। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज जनरली प्रिपेयर्ड कॉमर्शियली बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड इन कास्टनर किलनर सेल, ठीक है भैया, कास्टनर किलनर सेल में बनता है। अब ब्राइन सोल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज, ब्राइन क्या है यार, NaCl है, इन अ मरकरी कैथोड एंड अ कार्बन एनोड। सोडियम मेटल डिस्चार्ज एट कैथोड कंबाइन विथ मरकरी टू फॉर्म सोडियम अमलगम, नीट में क्वेश्चन आया है कि सोडियम अमलगम में सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, भैया 0 होती है। क्लोरीन गैस इज इवॉल्व एट एनोड, आगे देखो द अमलगम इज ट्रीटेड विथ वाटर टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो अब हम जो सोडियम अमलगम होता है सोडियम अमलगम में डालते हैं पानी, और पानी डालने से यहाँ पर रिलीज होता है NaOH, HG प्लस H2 गैस, कौन सी गैस, H2 गैस। यहाँ से भयानक वाला क्वेश्चन बन सकता है, जरूरी नहीं है बने, इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बनेगा तो बहुत कम लोग कर पाएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज वाइट ट्रांसल्यूसेंट सॉलिड, इट मेल्ट्स एट 595 केल्विन, ठीक है भैया। इट इज रेडली सोल्यूबल इन वाटर टू गिव स्ट्रांग एल्कलाइन सोल्यूशन,
क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर डेली क्विसेंट, मतलब कि NaOH पानी रख लेता है, डेली क्विसेंट होता है। द सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन एट सरफेस रिएक्ट विथ CO2 इन एटमोसफियर एंड फॉर्म NO2CO3। सरफेस वाला CO2 सीरेट करके NO2CO3 बनाता है, निर्मा बनाता है। ओके भैया, आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है इट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, साबुन बनाने में यूज होता है, पेपर, आर्टिफिशियल सिल्क एंड नंबर ऑफ केमिकल्स, ठीक है यार, पेट्रोल के रिफाइनिंग में यूज होता है, इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट में यूज होता है, इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर मर्कराइजिंग कॉटन फाइबर, कोई क्वेश्चन नहीं आता यहाँ से, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्योर फैट्स एंड ऑयल एज लिब्रेटरीजेंट, क्वेश्चन ही नहीं आता है यहाँ से। ओके, अगला पॉइंट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बनाना बेकिंग सोडा, यहाँ पे भी एक कहानी देखेंगे प्यारी से, रसगुल्ला बनाने वाली, कौन सी रसगुल्ला बनाइए, रसगुल्ला बनाते बनाते तुम्हें सारा का सारा याद हो जाएगा। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज नोन एज बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या मतलब है, खाना बनाने वाला सोडा, घर पे सुना होगा जब रसगुल्ला बनता तो मम्मी एक सोडा मंगाती है, वही है। इट डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू जनरेट बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, भैया ठीक है, अब यहाँ पे छोटे छोटे होल बन जाते हैं, रसगुल्ला फूल जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज मेड बाई सैचुरेटिंग अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विथ, अबे देखो यार, कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट पानी डाल दिया तो बन गया सोडियम बाई कार्बोनेट, बात खत्म, इतनी सी बात है। द वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, याद करो रसगुल्ला वाला सोडा कैसा होता है, सफ़ेद, ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बीइंग लेस सोल्यूबल गेट सेपरेटेड आउट, ये क्या होता है, लेस सोल्यूबल, इसी का मजा तो सॉल्वे प्रोसेस में बना था, ठीक है, साली वाली कहानी याद करो। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज माइल्ड एंटीसेप्टिक फॉर स्किन इन्फेक्शन, इट इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब आग बुझाने में, मेरी स्पेलिंग अंग्रेजी कमजोर है, और ये क्वेश्चन आ चुका है जेई मेंस में। ओके, अगर हम जेई, अगर तुम लोग चाहते हो तो मैं जेई मेंस का क्वेश्चन कराऊंगा, तो वहाँ पर सारा का सारा दिखा दूंगा। ओके, अब आगे हैं बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, यहाँ से नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, तुम्हें लगेगा नहीं लेकिन आया हुआ है, आइए पढ़ लेते हैं। अ टिपिकल 70 kg आदमी अबाउट हैव 90 g सोडियम, 170 g पोटेशियम, कंपेयर्ड ओनली 5 g आयरन एंड 0.06 g ऑफ कॉपर, ठीक भैया, देख लो एक बार, पढ़ लो बस नॉर्मली से। सोडियम आयन आर फाउंड प्राइमरली ऑन आउटसाइड ऑफ द सेल, पढ़ा है तुमने नर्वस सिस्टम में, बीइंग लोकेटेड इन ब्लड प्लाज्मा एंड इन इंटरस्टीशियल फ्लूइड विच सराउंड बाई द सेल, आगे क्या है, दीज आयन पार्टिसिपेट इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल, सोडियम पोटेशियम नर्व सिग्नल में यूज होते हैं, पता है तुम्हें, इन रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ वाटर अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर एंड अमीनो एसिड इन टू सेल, भैया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सोडियम एंड पोटेशियम ऑल्दो सो सिमिलर केमिकली डिफर क्वांटिटेटिवली इन दियर एबिलिटी टू पेनेट्रेट सेल मेम्ब्रेन, यार ये सोडियम जो मैग्नीशियम होते हैं सेल को पार करने के टेंडेंसी के आपस में अलग होते हैं, इन दियर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इन दियर इफिशियंसी टू एक्टिव एंजाइम, एंजाइम को भी एक्टिवेट करते हैं ठीक ठाक, ठीक है। दस पोटेशियम आयन आर मोस्ट एबंडेंट कैटायन विद इन द सेल, सेल के अंदर कौन मोस्ट एबंडेंट होता है, पोटेशियम, बाहर कौन होता है, सोडियम आउटसाइड, सोडियम आउटसाइड, पोटेशियम इनसाइड, वेयर दे एक्टिवेट मेनी एंजाइम, पार्टिसिपेट इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस ATP विथ सोडियम, पढ़ा होगा तुमने हेक्सोकाइनेज पोटेशियम के प्रेजेंस में, याद करो कौन सा चैप्टर, रिस्पायरेशन वाला, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल, देयर इज वेरी कंसिडरेबल वेरिएशन इन द कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयन, बहुत कम वेरिएशन होता है सोडियम पोटेशियम में, ठीक है ना, आगे देख लो यार, क्वेश्चन यहाँ से नहीं आना, एक बार आया था, हम वो क्वेश्चन ही देख लेंगे थोड़ी देर में। फाउंड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, देख लेना यार, आगे एक बार पढ़ लेना तुमसे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम
यहाँ तक करेंगे इस वाले लेक्चर में, 40-45 मिनट 42 मिनट का लेक्चर हो रहा है। रुको एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला जो यहाँ से, तो ये क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन था। द करेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग फर्स्ट एंड थर्ड विथ रिस्पेक्ट टू पोटेशियम आयन, तीन टू स्टेटमेंट है पोटेशियम के विषय में, कौन सा सही है। तो पहला लिखा है दे एक्टिवेट मेनिंजाइम, पढ़ा है यार, सही बात है। दूसरा दे पार्टिसिपेट इन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी, क्या लगता है तुम्हें, सही बात है। दूसरा अलॉन्ग विथ सोडियम आयन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल, ये भी पढ़ा है, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और ये हल्का वल्का क्वेश्चन नहीं, जे मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है यार। तो बस आज के लिए इतना है, तुम मुझे ये बताओ कि ट्रिक्सपीडिया का ये एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वाला सेशन कैसे लगता है, और जो मैं स्पेशल इसमें कुछ ट्रिक्स वालू करता हूँ, क्या ये ट्रिक्स और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, अगर हाँ तो इससे थोड़ा सा लेक्चर जो हो जाएगा लेंथी हो जाएगा, तो तुम्हें समझ में और बेटर आएगा। तो अब तुम बताओ क्या चाहते हो, और क्या जैसे आज मैंने कुछ क्वेश्चन इन्वॉल्व किए हैं, ऐसे ही मैं साथ में जेई मेंस के और ज़्यादा क्वेश्चन इन्वॉल्व करूं या ना करूं। नीट के तुम अपने से कर ही रहे हो, साथ में जेई मेंस के करा दे रहा हूं, तुम बताओ क्या चाहते हो तुम, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कैरी ऑन विथ ट्रिक्सपीडिया, और यार प्लीज़ 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 अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करो, उनका भी फ़ायदा हो, तुम्हारा भी फ़ायदा हो, और थोड़ा सा मेरा भी फ़ायदा हो, ठीक है ना। तो बस यार कैरी ऑन विथ ट्रिक्सपीडिया, बाय बाय, अच्छे से पढ़ते रहो, ठंडी है तो थोड़ा कंबल के अंदर रहो और लेक्चर ऑन करके देखते रहो, बाय बाय।